तो एक बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एक ऐसा लैपटॉप बताओ जो मैकबुक का रिप्लेसमेंट हो बट विंडोज वाला फॉर्म हो, मतलब उसको आप मैकबुक जैसा लुक हो, हल्का हो, लाइट हो और स्ट्रॉन्ग हो और परफॉर्मेंस में भी नियरली मैकबुक जैसा हो, इवन की बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी मिल जाए। तो क्योंकि मैकबुक का ऑलरेडी जो बजट है 80-90,000 पहुंच चुका है, तो उतना बजट लोगों का नहीं था। लोग चाहते थे कि 50-40,000 के बीच में कोई एक ऐसा लैपटॉप हमें मिले, ऐसी मशीन मिले जिससे उनका वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, उनसे उनका कोडिंग भी हो जाए, उसके अलावा उनकी जो भी डेली लाइफ की बिजनेस यूज है, कुछ भी करना हो, स्टूडेंट वगैरह हो, सब कुछ मतलब मल्टी टास्किंग वगैरह अच्छा हो। तो ऐसी ही एक डिवाइस, एक लैपटॉप आज हम रिसर्च करके आपके लिए ले आए हैं। आज उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे कि ये इसमें आपको और क्या क्या फीचर मिलते हैं, ये कितने का आपको मार्केट में मिलता है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करिए, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी नहीं मिली हुई है, आई थिंक कि मे बी कहीं पे पैकिंग फटी होगी। तो ये है आपका ऑनर का मैजिक बुक X14, 14 इंच वाला X14 है और बहुत ही हल्का है, मतलब कि पूरे बॉक्स के साथ भी मुझे लगता है कि 2 kg होगा। बाकी पीछे में आपको यहाँ पे आप सारा डिटेल मिल जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि 80,000 का है, जबकि 80,000 का मिलता नहीं है। और बाकी इसकी डिटेल है, इसमें कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड बाई, इम्पोर्टेड बाई, बाकी डिटेल, कंट्री ओरिजिन चाइना। तो इसे ओपन करते ही सबसे पहले हमारे पास ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। इस साइड में देखें तो एक प्रीमियम क्वालिटी का एक C2C वायर मिलता है हमें, जैसा कि आपको मैकबुक में मिलता है वैसा एग्जैक्टली सेम आपको इसमें भी मिलता है। आपको एक 65 वाट का एक यहाँ पे चार्जर मिलता है, बहुत ही तगड़ा प्रीमियम लुक होता है इसमें भी। यहाँ पे जैसे मैकबुक में सी वाला आपको चार्जर मिलता है ना, टाइप सी वाला आउटपुट है, तो इसे साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ बॉक्स में और कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें मिलता है हमारा ये सस्ता सा चाइनीज एप्पल, ऐसे इसे खा नहीं सकते। तो गाइस ये जो लुक है ना, ये एकदम जैसे प्रोफेशनल वाला प्रीमियम लुक है, मैकबुक जैसा लुक है। मैकबुक का जो ये वाला कलर आता है M2 में आता है, वो सेम एग्जैक्टली वो वाला कलर है, बस यहाँ पे एप्पल कटा हुआ नहीं बना है, ऑनर लिखा हुआ है। M2 से थोड़ा सा थिक होगा, बट लाइट वेट है, M2 के इतना ही वेट है इसका भी, 1.4 इवन 1.4 इस पर मेंशनड है, पर ये उससे कम निकलता है, 1.3 kg के आसपास निकलता है। और ऐसे आपको देखने में ही लग रहा होगा प्लास्टिक है, बट ये पूरा फुली मेटल है, ये पूरा मेटल बॉडी है, ऊपर भी पीछे भी सारा मेटल बॉडी है। तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है पूरा काफ़ी तगड़ा बिल्ड क्वालिटी, मेटल वेटल सब भर के मिलता है इसमें। तो अगर मैं डिटेल में इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये पूरा मेटल तो है ही, इसमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर रबड़ दिए हुए हैं, मतलब नॉर्मल जो क्वालिटी आती है उससे अच्छी क्वालिटी के रबड़ इसमें लगे हुए हैं। ये भी मैकबुक जैसा जो एक लंबा सा रबड़ मिलता है पीछे में, कि जिससे कि स्लिप वगैरह नहीं करने वाला वो है। बड़ी सी यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है, हीट अच्छे से डिस्पेंस होने वाला है इसमें से। एक मोटा सा डिफरेंस ये है मैकबुक और इसमें, कि यहाँ पे स्पीकर पीछे में दिए हुए हैं, मैकबुक में फ्रंट में देता है। क्वालिटी तो उसकी अच्छी ही है, उसका जो आउटपुट है और बढ़कर के आता है, पर इसमें थोड़ा पीछे में दिया हुआ है। तो इसके पोर्ट्स की बात करें जो कि काफ़ी इसमें प्रीमियम सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको USB 3.2 वाला टाइप सी यहाँ पे पोर्ट मिलता है। इवन इससे आप चार्ज भी कर सकते हो, आपका लैपटॉप इसी से चार्ज होने वाला है, जो इसका चार्जर मिला हुआ है वो भी टाइप सी है, आप इवन दूसरे टाइप सी चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। और हम अपने आने वाली दूसरे वीडियोस में ये भी आपको करके इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि क्या ये फोन वाले चार्जर से चार्ज होगा कि नहीं। इससे रिलेटेड जो सारे वीडियो हैं, जैसे शॉर्ट्स वगैरह हम सारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे अपलोड करते हैं, तो वहां भी आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक USB 3 भी मिलता है यहाँ पे टाइप ए, और यहाँ पे HDMI भी मिलता है, जो कि 144 Hz तक का डिस्प्ले, आप 10K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले यहाँ पे सपोर्ट करता है आपका ये। दूसरे साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, गनीमत है कि ये भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे USB 3 मिलता है टाइप ए वाला, जिससे कि इसमें पोर्ट्स वगैरह आपको मैकबुक से ज़्यादा मिल जाते हैं। इस प्रीमियम लैपटॉप को हम अगर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का लुक है। इसकी स्क्रीन, इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी तगड़ी है दूसरे लैपटॉप के मुकाबले। अच्छा, यहाँ पे एक ये कागज़ आपको मिलता है इसमें लगा हुआ, जो इवन इस पर भी यहाँ पे मेंशनड है, बारीकियाँ देखिए कि इस पर भी मेंशनड है कि चार्जिंग यहाँ से लगानी है यहाँ पे, मतलब जो USB टाइप सी है उसमें आप चार्ज वगैरह लगा सकते हो। इस साइड में जो दूसरा साइड है, इस साइड में दिया है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ओपन करने पे भी ये जो पूरा फिनिश है ना, काफ़ी प्रीमियम फिनिश इसका दिया हुआ है। इसका जो क्वालिटी है, जो पेंट्स किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के किए हुए हैं। मैं इस पर चढ़ करके दबा करके फ्लेक्स में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अच्छी है
और वो जो थोड़े बहुत फ्लेक्स होते हैं वो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह वो फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं दिखाने वाला, बट इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल हो जाओगे यूज़ करते वक्त, ये काफ़ी सही है। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है इस पूरे लैपटॉप में, ऊपर भी अंदर भी। कि मैकबुक की शक्ल वाला जो ये लैपटॉप है नियरली सेम फीचर और सेम परफॉर्मेंस भी एग्जिस्ट करता है। चाहे आप इसके क्वालिटी की बात करो, कीबोर्ड की जो क्वालिटी है, जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है, जो चिकलेट कीबोर्ड इसमें मिलता है, या फिर आपको इसमें बड़ा सा जो ट्रैक पैड मिलता है उसकी बात करो, या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो, सब कुछ आपको मैकबुक जैसा इसमें मिलता है। यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे कोर i5 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिला हुआ है, ओनर मैजिक लिंक का यहाँ पे ब्रांडिंग मिला हुआ है, और इसके अलावा इस पूरे लैपटॉप पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस एक ओनर का आपको यहाँ पे भी एक ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो माइक मिलते हैं ऊपर में, और एक यहाँ पे कैमरा मिलता है कि इसका LED नोटिफिकेशन मिलता है, और जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी बहुत तगड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो कितना तगड़ा डिस्प्ले है, AMOLED जैसा डिस्प्ले है। मैं ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि वीवो बुक जैसा इसका डिस्प्ले है, बट ये मैट फिनिश वाला है बहुत, मतलब इसमें जो ग्लेयर नहीं है, एंटी ग्लेयर वाला डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पे। 100% sRGB मिलता है गाइस। ये जो डिस्प्ले है ना, ये भी आम डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रिक्वायरमेंट थी वो मैकबुक जैसे कंपैरिजन की थी, और बजट हमारा 50,000 और उससे कम का था। मतलब अगर मैकबुक को आप 10 दोगे ना, तो इसको आप 9 से कम डेफिनेटली भी नहीं दोगे। चलिए हम इसको सेटअप कर लेते हैं फटाफट। इसका जो बैकलिट कीबोर्ड है ना, इसमें भी बढ़िया अच्छी खासी आपको बैकलिट लाइट मिल जाती है, और बैकलिट लाइट आपको जलाने के लिए इसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है। आपको फंक्शन की दबाना है, उसके बाद आपको स्पेस दबाना है। तो अभी देखिए बंद हो गया, और 2 लेवल का बैकलिट लाइट है, 1 और ये 2, और ये तीसरे में बंद हो जाएगा। तो इसका जो बैकलिट लाइट है वो भी आपको मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बैकलिट लाइट वगैरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, नहीं। इसके अलावा इसका जो फिंगरप्रिंट है ना, वो भी काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी फास्ट है। देखिए मैं जैसे टच करता हूँ ये ओपन हो जाता है। मतलब इसका जो लो क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिंगरप्रिंट जो सेंसर है इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही सी है, और जो इसका जो पैड है ना, ये काफ़ी बड़ा सा मैकबुक जैसा आपको पैड मिलता है, बड़ा सा ट्रैक पैड। और ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी मैकबुक से मिलती जुलती है। तो आप इसको भी जरूर देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये जो ये भी मैटर करता है, आप जब कुछ भी टाइप कर रहे हो जरूर मैटर करता है यहाँ पे। बाकी इसके हिंग की जो क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी सही सी है। मैं जाना चाहूँ उसको वहाँ पर रोक सकता हूँ, और यहाँ पे आकर के बंद हो जाता है, और वन हैंड से मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, वन हैंड से भी ओके, मैकबुक जैसा ही है, यहाँ पे आके काफ़ी टाइट हो जाता है, पर वन हैंड से भी ओके से खुल जाता है। ऐसा नहीं मुझे दोनों हाथ लगाना ही पड़ेगा। और इसमें मिल जाता है आपको वाईफाई का लेटेस्ट 6 और ब्लूटूथ का लेटेस्ट 5.1 वर्जन, जो कि काफ़ी सही है। तो भाई इस लैपटॉप में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सेटअप करने में। मतलब फर्स्ट सेटअप था विंडोज 11 की वजह से, साइनिंग वाइनिंग सब करने के बाद बहुत ज़्यादा, फाइनली ये सेटअप हो गया। इसे अब हम सब सेटअप होने के बाद जो सबसे पहला काम है वो हम आपको करके दिखाते हैं। अगेन हमने इस पे 4K वीडियो चलाया हुआ है, ये 4K चल रहा है YouTube पे। इवन ये लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना, आपको इसमें आई कंफर्ट वगैरह मिलता है, जैसे कि आप आईज पे लॉन्ग टर्म में यूज़ करने में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, कोई स्ट्रेन नहीं आने वाला। इसमें इसके अलावा इसमें फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है कि आंख पे आपको स्ट्रेन नहीं आएगा, फ्लिकर नहीं होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी जो IPS एंटी ग्लेयर वाली क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद आती थी। एंटी ग्लेयर की वजह से अपने आप में थोड़ा सा इसका जो क्लैरिटी वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता ना किसी भी तरह की लाइट की, तो उसका जो क्वालिटी अपने आप में थोड़ा सा और डे लाइट वगैरह में भी बढ़ जाता है। पर इसकी जो ब्राइटनेस है ना, 300 nits है। मुझे लगता है कि 300 nits से थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकता था, पर अभी इतनी भी ब्राइटनेस काफ़ी है। नॉर्मली जो लैपटॉप जो थोड़े इस रेंज में आते हैं उसमें आपको 200-240 nits के अप्रॉक्स में आपको किसी ब्राइटनेस मिलता है। इसमें एवरेजली थोड़ा सा ज़्यादा है, पर थोड़ा और अच्छा भी इसमें हो सकता था, पर स्टिल इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी तगड़ी है। साउंड की क्वालिटी है ना, वो भी डिसेंट है। मतलब मैकबुक जैसी नहीं है एकदम सी, मैकबुक में थोड़ा और ज़्यादा लाउड है, इसकी डिसेंट है। जो भी आप इसके आसपास बैठकर के मीडिया कंज्यूम करने वाले उसके लिए काफ़ी तगड़ा है। इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है ना, वो HDR वगैरह भी सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको विंडोज 11 इनबिल्ट मिलता है होम एडिशन वाला, पर सैडली इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह नहीं मिलने वाला। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इसमें इनबिल्ट नहीं मिलता है, आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह आप परचेज कर सकते हो इजीली। इसके अलावा अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप में आप इजीली आप 4K वीडियो वगैरह आप बहुत इजीली इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। 180 वगैरह तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेंडर कर लेता है, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें 16 GB वाला रैम है, 48K के अराउंड आपको ये मिल जाता है अमेजन पे। जो 8 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 52 अराउंड में मिल रहा था, और उस पर ऑफर वगैरह लगा करके 50 में पड़ता है आई थिंक। तो ये वाला जो लैपटॉप है इसमें आपको गेमिंग वाला प्रोसेसर H-सीरीज वाला प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ आपके जो भी हैवी टास्क है ना, मल्टी टास्किंग है, गेमिंग है, लाइट गेमिंग,
मतलब आप लाइट गेमिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइट वेट लैपटॉप बनाया जाता है इसको थोड़ा सा टिक कर दिया जाता है, इसके जो सेम गेमिंग प्रोसेसर आप अगर किसी गेमिंग लैपटॉप में लेते हो उसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा लोअर किया जाता है हीटिंग वगैरह कंपनसेट करने के लिए। फिर भी आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको गेमिंग वगैरह आप इजिली कर सकते हो। इसमें आपको UHD ग्राफिक्स मिलता है, आपको इंटेल का जो आइरिस ग्राफिक्स है वो वाला इसमें नहीं मिलता है। UHD ग्राफिक्स से थोड़ा सा उससे अंतर होता है UHD में, मतलब 16 GB रैम के साथ ये जो लैपटॉप मैं लिया हूँ 48K में आपको इसमें एच सीरीज के गेमिंग प्रोसेसर को मिला करके आप इसमें बहुत ही तगड़ी आप इसमें परफॉर्मेंस ले सकते हैं। आप इसका जो बेंचमार्क वगैरह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे बेंचमार्क मैं आपको इसमें डाल दूंगा। इस प्राइस रेंज पे जो भी बेंचमार्क है इस लाइट वेट लैपटॉप की तरह अगर कंपैरिजन में तो इससे ज़्यादा भी किसी का नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज पे किसी का नहीं है, बाकी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं सारे अपने सोशल मीडिया साइट्स पर डालते रहते हैं कि आपको हेल्प मिलता रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि जो बड़ा वीडियो है थोड़े टाइम बाद आता है तो आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।